दोस्तों, क्या आपके भी मोबाइल फोन पर आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं या आप उसे ब्राउजर से डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है और आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता है, जैसा आपको दिखा देते हैं। फाइल पर क्लिक करते हैं, हमारे पास एक ये एप्लीकेशन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। डाउनलोड हम यहाँ पर कर चुके हैं, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है और जैसे हम इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आखिरकार अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाए तो अपने ऐप को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे आपका एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड होगा, तो बस वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको पता चलेगा। तो इसका सबसे पहला तरीका यह है कि अपने फाइल को आप फिर से ओपन करें, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पर मिलेगा मोर डिटेल्स। अब आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर मिलेगा एक बटन इंस्टॉल एनीवे। अब आप इस पर क्लिक करें और आपका फाइल आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। बाय चांस अगर आपके इस तरीके से इंस्टॉल नहीं होता है तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले आप जाएं अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद अपने आईडी पर क्लिक करें। आईडी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको प्ले प्रोटेक्ट। अब आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सेटिंग। अब आप इस पर टच करें, यहाँ पर मिलेगा ये सेटिंग। अब आप इसे बंद कर दें कुछ देर के लिए, जब तक आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता है। तो आप यहाँ पर इसे बंद करें। अब आप यहाँ से बैक आ जाएं, अपने फाइल पर जाएं, या आप जहाँ पर भी अपने एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पर आप चले जाएं। तो हम यहाँ पर फिर से अपने फाइल पर जाते हैं। टेलीग्राम से कर रहे हैं तो टेलीग्राम पर चले जाएं, ब्राउजर पर कर रहे हैं तो आप ब्राउजर पर चले जाएं। तो जैसे हम यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि अब हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है या हमारे सामने वही प्रॉब्लम आता है। तो देख सकते हैं हमारा वो एप्लीकेशन अब इंस्टॉल हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर हम इसे ओपन करें तो ओपन बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा एप्लीकेशन ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ये सेटिंग आप अपने फ़ोन में कर लीजिए और इतना करने के बाद आपको जाना होगा फिर से प्ले स्टोर पर और फिर आप इस सेटिंग को चालू कर दें, यहाँ से बैक आ जाएं, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो बस इतना काम कर लीजिए और उसके बाद सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। बाय चांस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो एक बात को याद रखना है कि जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं वो आपका लेटेस्ट वर्जन में होना चाहिए, यानी कि वह बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में होना चाहिए, उसका बिल्कुल नया वर्जन होना चाहिए। अगर आप पुराना वाला इंस्टॉल करेंगे तो आपका इंस्टॉल नहीं होगा। अगर बाय चांस आप अपने फ़ोन में इस यहाँ पर GB WhatsApp, FM WhatsApp, यो WhatsApp इंस्टॉल करते हैं या यूज करते हैं तो हम आपको बताएंगे। एक टेलीग्राम चैनल है, वो मेरा ही चैनल है ये वाला। तो आप इस चैनल पर आकर जो भी आप यूज करते हैं OG WhatsApp, WhatsApp Plus, GB WhatsApp या आप यूज करते हैं यो WhatsApp, GB WhatsApp, FM WhatsApp, Ford WhatsApp या कोई और WhatsApp, तो सारे WhatsApp का लिंक हम यहाँ पर दे देते हैं। तो आप यहाँ से भी आप लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई अदर एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप हमें यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं या आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।